मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को चुनावी दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 5 साल पहले मुझे षड्यंत्र से फंसाने की कोशिश डॉक्टर रमन सिंह ने की थी। उसी दिन से प्रदेश में भाजपा के पतन की शुरुआत हुई थी। अब ईडी के माध्यम से मेरे खिलाफ केंद्र सरकार षड्यंत्र कर रही है, उनके भी पतन की शुरुआत हो चुकी है। आगे उन्होंने नारायणपुर में हुई बीजेपी नेता की हत्या पर कहा कि मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी फोर्स के दबाव के कारण नक्सली पीछे हट गए हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। के जिला स्तर के पदाधिकारी की मृत्यु हुई है, पूरे परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन लगातार हमारे फोर्स के दबाव के चलते नक्सली बहुत पीछे हो गए हैं। अब लोग आराम से अंदरूनी क्षेत्र में भी जा रहे हैं, कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हो रही है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पहले वाली जो स्थिति थी और अब में जमीन आसमान का अंतर आया है। और वो बोलते हैं कि मैं ओबीसी इसलिए गाली देते हैं, तो मैं भी तो ओबीसी हूँ भाई, फिर वो गाली क्यों दे रहे हैं? आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 5 साल पहले रमन सिंह जी मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन हुआ है। आज केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ है कि केंद्र सरकार के भी पतन होने की शुरुआत हो गई है। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन निश्चित है।